मंदिर के पुजारी खामोश लूट को देखते रहे। 250 पुजारी थे और 117 महमूद गजनबी के सैनिक थे। 250 पुजारी थे, 250, एक एक पुजारी एक एक लाठी लेकर अगर महमूद गजनबी की सेना पे मिल जाता तो महमूद गजनबी पहले साल में ही मर जाते, लेकिन वो पुजारी बोलते रहे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मंदिर है जगत का हिस्सा है, लुट रहा है, लुटने दो फिर आ जाएगी, ये तो संपत्ति है, माया है। आजकल और भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, माया में मत फंसो, ये संपत्ति में मत फंसो। मैंने बहुत सारे साधु बाबाओं को पूछा, भाई माया में हम ना फंसे ये तो ठीक है, आप क्यों फंसे हुए हो? एक साधु बाबा है, मैं नाम नहीं लेता, वो रोज यही भाषण देते हैं, माया में मत फंसो, और कहते मेरे को दे दो, तुम मत फंसो, मुझे दे दो, मैं संभालूंगा तुम्हारी माया। तो जैसे आजकल के कुछ पाखंडी लोग हैं ना इस देश में, जो आपको उल्लू बनाते रहते, ऐसे ही कुछ पाखंडी 1000 साल पहले हो गए इस देश में, उन्होंने खूब उल्लू बनाया लोगों को, माया में नहीं फंसो तो विदेशी आए, माया को लूटते रहे, और वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे, वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे, एक दिन सब खाली हो गया। महमूद गजनबी ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा, नादिर शाह ने लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, फिर उसके बाद बाबर आ गया, फिर उसके खानदानियों ने लूटा, फिर वो खानदान खत्म हो गया तो फिर उसके बाद पुर्तगाली आ गए, उन्होंने लूटा, पुर्तगाली भी चले गए तो फ्रांसीसी आ गए, उन्होंने लूटा, फ्रांसीसी गए तो फिर अंग्रेज आ गए, और उन्होंने तो 250 साल खूब जम के लूटा। उस लूट का परिणाम ये हुआ कि सोने की चिड़िया नाम का भारत अब मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रह गया,